बालोद जिले के डिंडोरी लोहारा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पोपलो टोला में बेटे द्वारा अपने ही पिता की हत्या करने का मामला सामने आया। बाप बेटे के बीच मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद के चलते बेटे ने धारदार हथियार से अपने पिता पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद हथियारे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले को अपनी विवेचना में ले लिया है। पूरा मामला ग्राम पोपला टोला निवासी शिव कुमार ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बेटे को वह पाल पोष कर बड़ा करेगा वही उसकी हत्या कर देगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है। उसका बेटा टेक राम ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया और इस पूरी घटना की वजह मोबाइल है। बताया गया कि शिव कुमार द्वारा अपने बेटे टेक राम को मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करने से मना किया, नहीं मानने पर उसका मोबाइल उसने अपने पास रख लिया। बस इसी बात को लेकर बाप और बेटे के बीच विवाद हो गया। बेटे ने गुस्से में आकर अपने ही पिता पर हथियार से वार कर दिया जिससे शिव कुमार की मौत हो गई। घटना के बाद डोंडी लोहारा पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल दिनांक 26/11/19 को गांव पोपला से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या कर दी है। इस सूचना पर मैं अपने स्टाफ के साथ गांव पीपला जाकर मौके का निरीक्षण किया और पूछताछ किया। जांच पर पाया गया कि एक दिन पहले रात के समय बेटा टेक राम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था, जिसे देखकर पिता शिव कुमार ने आपत्ति किया कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करते हो और मोबाइल को उससे लेकर अपने पास रख लिया। दूसरे दिन सुबह मोबाइल को लेकर दोनों में विवाद हुआ। पिता ने मोबाइल बेटे को नहीं दिया था और कल ही दिन के करीब 2:30-3 बजे के आसपास मोबाइल को लेकर बाप बेटे में विवाद हुआ और बेटे टेक राम ने टंगिया से मारकर पिता शिव कुमार विश्वकर्मा की हत्या कर दिया। इस मामले के प्रथम दृष्टया साक्षी के रूप में उसकी बहन कुमारी काजल थी। काजल के रिपोर्ट पर मर्ग एवं अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 302-201 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आज सब का पंचनामा कर पीएम के लिए रवाना किया गया है, प्रकरण विवेचना में है। क्या चे? आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और प्रकरण विवेचना में है।